सो गाइस एज वी ऑल नो 25th से हमारी एग्जामिनेशन है एंड स्पेशली हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही होते हैं तो थ्योरी इतना कुछ है नहीं बट थ्योरी ऐसा नहीं कि आप इग्नोर करो क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन जो होता है लास्ट में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड अगर प्रैक्टिकल सब में कहीं गड़बड़ होती है तो थ्योरी का क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि जहाँ हमको स्कोर करना अच्छे से मिल जाता है एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा लाइक उनको समझ नहीं आता तो उनके लिए ये थ्योरी सब्जेक्ट ना थ्योरी जो थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग बन जाते हैं तो थ्योरी को इग्नोर करना मतलब लाइक अपने आप ही खुद को अपने ग्रेड कम करने जैसा हो जाता है तो अगर आपको प्रैक्टिकल भी अच्छे से आता है तो थ्योरी भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से कवर करो एंड अच्छा स्कोर करने के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है स्पेशली आई हैव नॉट कवर्ड जस्ट ओनली FM सब्जेक्ट्स थ्योरी आई हैव ऑल्सो कवर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी जो भी थी वो भी मैंने कवर करी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट GST मतलब की कस्टम हमारा तो ये चार पाँच सब्जेक्ट जो है उसकी मैंने सारी की सारी थ्योरी अपलोड करी है एक्सेप्ट मैंने इकोनॉमिक्स से मैंने अभी नहीं लिया इकोनॉमिक्स मैं आपको बाद में लास्ट में अपडेट दे दूंगी बट अभी हमारे चार पेपर ही है तो मैंने उसकी थ्योरी कवर करी है मैंने अपने ग्रुप के अंदर सारे नोट्स भेज दिए अगर आपको एक ग्रुप के अंदर मतलब इस नोट्स का एक्सेस चाहिए तो प्लीज़ मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि अगर आपने मुझे FM के लिए फॉलो किया है पूरे साल तो मैं चाहती हूँ कि अब लास्ट के अंदर मतलब मैं जितना आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकूँ इतना आप भी लो एंड यस तो इसी लिए मैंने वीडियो बनाया है सो मुझे लाइक आई होप दैट यू विल ज्वाइन माई ग्रुप थैंक यू सो मच।